हेलो। और अभी टाइम हो रहा है शायद 11:30, और दिन में आज मैंने सफाई किया था, आपको पता ही है, बहुत सारा क्लीनिंग वगैरह किया था रूम का। तो क्लीनिंग वगैरह अच्छे से हो चुका है, सुबह मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगी। और दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि आजकल नन्नू है ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और मम्मी वाले रूम की अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, बाकी के बचे रूमों की क्लीनिंग करनी है मुझे बाद में। और 11:30 हो गया रात का, तो काफ़ी टाइम हो रहा है। तो मैं सिर्फ मैं बैठ के मेहंदी लगा रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी मेहंदी मेरी ख़राब हो गई थी, तो बैठ के मेहंदी लगाई थी मैंने। कल है करवा चौथ, और कल, हाँ कल है करवा चौथ, आज है 3 तारीख। ये ब्लॉग मेरा कब जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आरक्षण की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना नेट वगैरह बंद कर रखे हैं। अब पता नहीं कब ओपन होगा, कब नहीं होगा, और कब ये ब्लॉग आपके सामने जाएगा, आई डोंट नो। मुझे भी पता नहीं है कि कब ये लोग नेट ऑन करेंगे, बट जब भी जाएगा पता, देखते हैं कब जाएगा। और ये लगाइए मैंने मेहंदी, काफ़ी देर काफ़ एक ही हाथ में लगाई, दूसरे हाथ में नहीं लगाई जा रही मेरे से। तो अभी मैं जा रही थी सोने, तो मैं सोचा ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और मैं बैठी हुई हूँ हॉल में, और बाकी के सारे लोग सो चुके हैं ना, मम्मी भी जस्ट अभी गई है मेहंदी लगा के यहाँ से। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं कहती हूँ, बंद करती हूँ। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, तो मुझे डर लग रहा है इधर से। तो चलते हैं सोने, बाय बाय, गुड नाइट। और सुबह दिखाऊंगी कैसा कलर आएगा इसका, बाय बाय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है नेक्स्ट डे, उस दिन मैं पूरा वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी करवा चौथ से एक दिन पहले। तो ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, और यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार। आज है करवा चौथ वाला डे, तो यहाँ पे ना अच्छा लगता है कई बार नहा धो के अच्छे से तैयार होके अपने जो ड्रेस होती है मीणाओं की उसको पहन के, थोड़ा सा जो रहते हैं ना लेडीज़ वगैरह मेकअप वगैरह करके, थोड़ा अच्छे से ड्रेस वगैरह सब कुछ पहन के रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लुक आता है, और बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है। तो वही मैं तैयार होके अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काम करूँगी, तो पहले तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी मैं घर का खाने वगैरह का काम। और खाना क्या बनेगा मैं पता नहीं है, बट डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है करवा चौथ पर, क्या नहीं बनाना है। और ये ब्लॉग आपके पास कब जाएगा मुझे नहीं पता। और ये कपड़े वो है कपड़े, ये वो कपड़े हैं जो मैं मम्मी को देने वाली हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको क्या बोलते हैं, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। तो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और अभी टाइम हो रहा है शाम का 3:30। सुबह से बहुत सारी सफाई वगैरह की थी, और मतलब बहुत सारा सामान वगैरह जमाया था, तो इस पे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। आज है करवा चौथ वाला दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग शूट करूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर जो करना है मुझे। और मैंने पहना है फिर से लहंगा लूंगी, बट अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, तो हेयर थोड़ा सा गीला है मेरा, तो अभी इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि मैं लेके आई थी हेयर बैंड, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी यहाँ से। तो यहाँ पे ना 10-10 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे वाले हेयर बैंड मिल जाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। और कलर इसमें अलग आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा डार्क है बट उधर लाइट आ रहा है, पता नहीं क्यों। और तो ये है वो कपड़े जो करवा चौथ पे मैं मम्मी को देने वाली हूँ, क्योंकि आपकी बार, हर बार मैंने साड़ी साड़ी दी थी मम्मी को, पर आपकी बार मैं साड़ी वगैरह नहीं दूंगी, ये दूंगी लहंगा लुगड़ी। और ये कुछ इस तरीके से होती है, बहुत बड़ी होती है ये, इस तरीके से होती है ये। तो इसके साथ का जो कैसा आता है वो बता देती हूँ मैं आपको। इसके साथ में आएगी ये वाली शर्ट जो मैंने पहन के रखी है, ऐसी वाली बनेगी इसमें, और बहुत ही अच्छी थी। और रियली में मेरा बहुत ज़्यादा वेट भी कम हो गया। सब लोग मुझे यहाँ पे बोलते हैं कि आपने वेट कैसे कम किया, वेट कैसे कम किया। रियली में मैंने बहुत वेट गेन किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट कम कर लिया है मैंने फिलहाल, और कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। रियली में मेरे जो सारे कपड़े पहले नहीं आते थे, वो सारे कपड़े आने लग गए। तो ये है शर्ट जो बनेगी इस तरीके से, और इस तरीके की होती है ये ऐसी। और उसके बाद है इनके साथ बनेगा ये लहंगा जो मैं पहनती हूँ, आपको मैंने बताया था पिछली बार। तो ये है मेहरूम कलर का, रेड रेड तो ये है जो नेल पेंट लगा के रखी, ये है मेहरूम कलर का। तो इस कलर का बनेगा लहंगा,
लहंगा इस तरीके का कपड़ा आता है और उसके बाद उसी कपड़े से बनता है इस तरीके का लहंगा ये, तो ये है और इस तरीके का बनेगा। फिर सिलाई होने के बाद में इसमें इस तरीके के फ्लावर्स बनेंगे यहाँ पे, तो उसमें बनेंगे फ्लावर्स, मतलब बेल बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको, लहंगा मारना बोलते हैं। तो ये मेरा लहंगा है जो कल मैंने पहना था, तो ये सूख गया था तो मैंने सोचा इसको रख देती हूँ उठा के, और दिखाती हूँ एक मिनट। आज है करवा चौथ, खाना क्या बनाने वाले हैं बिल्कुल भी नहीं पता, शायद मटर पनीर कुछ बनेगा, तो देखते हैं खाना क्या बनेगा। और मैं दिखा देती हूँ अपनी मेहंदी, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है मेरी मेहंदी का, ज़्यादा नहीं लगाई मैंने, हल्की सी लगाई है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। पूरा खोल के दिखा देती हूँ, ठीक है। और हमारे यहाँ पे नेट का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही, मैं बना बना के रखना पड़ रहा है बस मुझे, तो मैंने घर पे ही बनाई थी मेहंदी। इस वाली हैंड मैंने लगाया मैंने, तो ये है मेहंदी और बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, बहुत ही डार्क हो गया, पता नहीं इसमें बहुत लाइट दिख रहा है फोन में, इधर की साइड से दिखाती हूँ शायद अच्छे से दिख जाए। तो ये है मेरा मेहंदी का कलर, और उधर ननूस हो रही है पीछे, तो इतना प्यारा सा मेहंदी का कलर आया है। और लेट नाइट थी आज क्योंकि काम करते करते ना इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं लगा, और बहुत सारा काम हो जाता है यहाँ पे बच्चों के साथ, घर का काम, झाड़ू पोछे, सफाई वगैरह, तो पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। और अब बहुत भयंकर वाली लग रही है भूख, भूख क्यों लग रही है, सुबह से नहीं लग रही थी, बता दी थी दादाजी और उनकी दादी मार्केट गए थे तो बोले क्या है चाउमीन, तो उनको देख के मुझे भूख लग रही है। तो मेहंदी का कलर का आप देख ही सकते हो कितना प्यारा है, मेरा तो फास्ट है बेटा, अदिति बोल रही है आप चाउमीन खा लो थोड़े से, शाम को, अभी नहीं बेटा अभी नहीं खा सकते खाना। तो ये है वो पूरी ड्रेस जो मैं मम्मी को देने वाली हूँ, और हर बार साड़ी देती थी मैंने सोचा आपकी बार थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, तो आपकी बार मैं लहंगा पूरी दूंगी उनको। और खाना क्या बनेगा देखते हैं शाम को, शायद मैं कपड़े चेंज करूंगी शाम को जब भी पूजा वगैरह करेंगे तब, देखती हूँ अभी कोई फिक्स नहीं है, अगर बच्चे करने देंगे तो करती हूँ, नहीं तो देखती हूँ। इसको रख देती हूँ मैं एक साइड, और श्रृंगार का सामान भी पूरा ले लिया। और ये है बैंगल्स जो मम्मी लेके आई थी कल, चूड़ी जो बोलते हैं वो, मैं पहन के दिखा देती हूँ ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी शायद। तो ये है बैंगल्स, और एक जोड़ी और है वो भी बता देती हूँ, इसमें है ये करवा चौथ का सामान है जो मम्मी को देना है मुझे, मम्मी का भी बहुत प्यारा है। और ये है मम्मी के बैंगल्स जो लेके आई है मम्मी, और ये है मेरे, मतलब ये मम्मी को देने वाले हैं और ये मेरे लिए घर पहनने के लिए लेके आई मम्मी। और इसकी प्राइस है 100 रुपीज़, इसकी भी है 100 रुपीज़, बस ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा उसके बजाय, इसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है थोड़ा सा इस तरीके से है कुछ। मैं ये वाली डाल ही लेती हूँ, बैंगल्स डाल लेती हूँ, ये वाला मैंने पुराना पहन के रखा है आज। कान के भी चेंज करने हैं आज मुझे, तो देखती हूँ कौन से वाले पहनती हूँ, ये वाले जरूर चेंज कर देती हूँ एक बार। बहुत प्यारे लग रहा है ना हेयर में, आप बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। पहले कान के चेंज कर लेती हूँ, कान के मेरे जो इयर रिंग्स है ना वो दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे हैं।
ये नन्नू। ये है मेरा इयररिंग्स जो बहुत दिन से टूटा हुआ पड़ा था, काफी दिन हो गए इसको, अभी मम्मी सही करवा के लाई। और मेहंदी का कलर कितना प्यारा है, देखो बहुत प्यारा है ना। तो ये बहुत दिन से टूटे हुए पड़े थे, अब मैं इनको पहनने वाली हूँ आज। इसको सही करवा के लेके आई है मार्केट से। और एक है मेरा, मम्मी ने ना मुझे जब मैं आई आई थी ना तो मुंह दिखाई में दिया था, जब न्यू मैरिड ब्राइडल होते हैं ना उनको देते हैं ना, तो उन्होंने मुझे दिया था ये। ये है मेरा मंगलसूत्र। तो चलते हैं, करते हैं खाने की तैयारी। और इयररिंग्स मैंने डाल ली हैं, बहुत दिन बाद में डाले, कम से कम दो साल हो गए शायद, तब टूट गया था ये, उसके बाद बनवाने का टाइम ही नहीं मिला कभी, बट फाइनली आज बन चुका है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है ये वाले इयररिंग्स। चलते हैं, और इसमें है अदिति और नन्नू के गले में पहनाने वाले छोटे छोटे, नहीं होते चंदा सूरज जिसको बोलते हैं, वो बहुत दिन से उसके पास काला धागा नहीं था तो वो नहीं पहना पाई थी मैं। अभी मैं काला धागा कल मार्केट गई थी तब लेके आई थी, तो वो ही मैं पहनाने वाली हूँ उनको। तो चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपके साथ करवा चौथ का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि हमारे घर में एक डेथ हो चुकी है, जो मेरी चाची सास है उनके भाई की, तो वो मामा जी लगते हैं हमारे, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो इसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और ये है वो कबर जो मम्मी की मैंने जमाई थी, सफाई वगैरह की थी, जिसकी मैंने दिवाली से आप इससे पहले जो ब्लॉग गया था उसमें क्लीनिंग वीडियो बताया था मैंने आपको, तो उसमें मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया है मम्मी के कपड़ों का, इस तरीके से जमा के मैंने अच्छे से रख दिया है यहाँ पे। तो बहुत सारी जो ड्रेस है जैसे कि लहंगा लुगड़ी साड़ी वगैरह सब कुछ मैंने अलग अलग करके रखा है यहाँ पे। तो सॉरी मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, मेरा बहुत मन था कि मैं अपना करवा चौथ का फुल ब्लॉग शेयर करूँ, बट नहीं कर पाई थी क्योंकि ना ही हमने कोई ढंग का सा ड्रेस पहना था, ना ही कुछ हमने सेलिब्रेट किया था, तो इसकी वजह से मैं नहीं शेयर कर पाई थी। मामा जी ख़त्म हो गए थे उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।